लाइन ऑफ फायर मतलब क्या है कि देखिए ये कुछ चीजें हैं, मैं पहले पढ़ के बताऊंगा उसके बाद मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो सबसे पहले कि आई पोजीशन माय सेल्फ टू अवॉइड, मतलब कि मैं अपना पोजीशन ऐसे बनाऊंगा जिससे कि मैं बच सकूं, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट व्हीकल प्रेशर रिलीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है कि हम ऐसा पोजीशन ऐसे जगह पे काम करेंगे जहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो, जहाँ पे घूमने वाला सामान ना हो, ठीक है। अब घूमने वाला सामान क्या हो सकता है, ग्राइंडिंग मशीन घूम रहा है, वहां पे बैठ के हम काम करने लगे, हम क्या है लाइन ऑफ फायर में काम करने लगे। उसके बाद क्या है कि व्हीकल, अब गाड़ी इस रास्ते में आ रहा है जा रहा है, बीच में बैठ के काम करने लगे, मतलब हम लाइन ऑफ फायर के अंदर में काम कर रहे हैं, हमारी जान को जोखिम है, मतलब खतरा है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रेशर रिलीज, अब ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे प्रेशर रिलीज हो सकता है, प्रेशर निकल सकता है, ठीक है। तो हमको बचना है वैसे जगहों पे काम करने के लिए, मतलब लाइन ऑफ फायर में काम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉप ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि अगर ऊंचाई पे कहीं मेसन काम कर रही थे जो गया, नीचे बैठ के हम हथौड़ा मारने लगे तो क्या हुआ, हम लाइन ऑफ फायर के अंदर में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कभी रिक्स गिर सकता है, ठीक है ना। तो हमको काम शुरू करने से पहले ये ध्यान देना है लाइन ऑफ फायर में हमको काम नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद है कि आई एस्टैब्लिश एंड ओबे द बैरियर एंड एजुकेशन रूल, मतलब कि हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे लिए सेफ जगह बनाया गया है वहां पे काम करें, ठीक है। उसके बाद है कि आई टेक एक्शन टू सिक्योर लूज ऑब्जेक्ट एंड रिपोर्टेड पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा चीज जो ऊंचाई से गिर रहा है बार बार और हम आप बता नहीं रहे क्योंकि हमारा दोस्त ऊपर काम कर रहा है, तो हम रिपोर्ट करेंगे तो क्या है कि हमारे दोस्त को डटाई होगा, परेशानी होगा, या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, तो आदमी क्या करता है, छोड़ देता है, चलो जाने दो यार, नहीं बताएंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको बताना है इससे बाद और वहाँ से गिरा, ठीक है। और हमको इंश्योर करना है कि लूज मटेरियल, फिर आप बताएंगे तो हम जाके वहाँ पे जितना लूज मटेरियल होगा या तो बीच में रखवा देंगे छत के, है ना, या फिर वहाँ पे टो गार्ड लगवा देंगे, बैरियर लगवा देंगे, कहीं पैर से भी लग के गिरे ना, तो जाके वो सेफ कल्चर बनाना है, सेफ अपना इन्वायरमेंट के ही काम को करना है। ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक है आप कर दिए तो कर रहा है तो कर रहा है, हम अपना काम करेंगे वो कर रहा है, पता लगा कि तीन चार लोग, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, कभी भी लाइन ऑफ फायर के अंदर में काम नहीं करना चाहिए। लाइन ऑफ फायर में अगर काम करते हैं तो आपको नुकसान होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। इंजीनियर को नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो आपके साथ में नहीं है, तो दूर से आपको बता दिया आप कर रहे हैं। सेफ्टी वाले को नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपको ट्रेनिंग दिया, वो समझ रहे हैं कि भाई मैं आपको समझा दिया तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस